नवनियुक्त डीजीपी श्री अभिनव कुमार जी, पूर्व डीजी श्री एबी लाल सर, श्री शैलेंद्र जी, गीता खन्ना जी, आरके जैन साहब, आए हुए अन्य सभी आमंत्रित अतिथिगण, पुलिस के मेरे साथी अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं और पुलिस के सभी साथियों, सबसे पहले आप सबको एक शानदार और भव्य परेड के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे सम्मान में इस परेड का आयोजन किया। 3 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हमने यहीं से पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी सर की विदाई की थी और मैंने 30 नवंबर को ही चार्ज ग्रहण किया था। आज 34 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद पुलिस सेवा का मेरा अंतिम दिन है और एक भावुक क्षण है कि 20 अगस्त 1989 को देहरादून के बस अड्डे से होकर के ही मैं मसूरी एकेडमी ज्वाइन करने पहुंचा था। वर्दी का जो आखिरी दिन है, वर्दी ने सेवा के हजारों मौके दिए, चुनौतियां भी बहुत आई, चाहे वो दिसंबर 1992 में प्रयागराज में दंगों को बचाने के लिए 10 दिन तक बिना सोए ड्यूटी करना हो, या तराई में आतंकवादियों से मुठभेड़ हो, या यूपी के पीरियड में जो बड़े बड़े क्राइम होते थे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स होती थी, रोड होल्डअप हो, सनसनीखेज अपराध हो, या हरिद्वार से बड़े अपराधियों का, एक्सट्रीमिस्ट का, माफियाओं का सफाया हो, इन सब में आप सब लोगों के साथ मिल करके हमने चुनौतियों का सामना किया है। जब डीजीपी के रूप में चार्ज ग्रहण किया, जब मुझे आपका नेतृत्व का सौभाग्य मिला, उस समय भी जैसा अभी अभिनव जी कह रहे थे कि कोविड की चुनौती सामने खड़ी थी, कोविड की चुनौती के बीच मैंने चार्ज ग्रहण किया था। परेड भी तब मास्क लगा करके होती थी, हम सभी जानते हैं, और कोविड के साथ साथ कोविड के बीच में कुंभ कराने की चुनौती थी, वो भी आप सभी जानते हैं। इन सब चुनौतियों को आप सबके सहयोग से हमने मिल करके पार किया और फिर कोविड के बाद चारधाम यात्रा पुनः शुरू करना, कांवड़ यात्रा को पुनः शुरू करना, रैनी आपदा आ गई बीच में, हमारा प्रदेश हम जानते हैं कि उसमें आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं, इन सब को आपके साथ मिलकर के हमने पार किया है। एक बड़ी बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि कोविड के दौरान जो मिशन हौसला में आप लोगों ने अपनी जान जोखिम पर रख करके लोगों की सेवा की, उससे पुलिस की समाज में विश्वसनीयता बढ़ी है। मेरा सदा से मानना रहा है कि पुलिस जनता के लिए बनी है। मैंने हमेशा पुलिस को, पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया है, क्योंकि पुलिस का डर आम आदमी में नहीं, पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए। आम आदमी को पुलिस को देखकर, आम आदमी को पुलिस को देखकर खुशी होनी चाहिए, उसके अंदर सुरक्षा का भाव आना चाहिए। यही हमने शुरुआती दिन से इसी तरह की पुलिसिंग की है, यही मैंने अपनी किताब खाकी में इंसान में बताने का प्रयास किया है। हमने आप सबके साथ मिल करके ऑपरेशन प्रहार चला, जिसमें 2000 से भी अधिक भू माफिया, नौकरी के नाम पर पैसा लेने वाले,
फर्जी डिग्री वाले, फर्जी लोन वाले, चिटफंड वाले, इन सब लोगों को जेल भेजा, 100 से अधिक नकली माफियाओं को जेल भेजा। आप सभी के प्रयासों से उत्तराखंड पुलिस आज की तारीख में क्राइम वर्कआउट में देश में सर्वोच्च स्थान पर है। प्रॉपर्टी रिकवरी में 70% के साथ भी हम लोग नंबर एक पर हैं। तो आप लोग हमेशा अपनी जान जोखिम पे डाल करके साथ खड़े रहते हैं, और आपने जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी दिखाई है, ये जो दो मायने मैंने बताए, क्राइम वर्कआउट और प्रॉपर्टी रिकवरी रेट, ये प्रोफेशनल पुलिसिंग के पैमाने हैं, और इन पर आप देश में सर्वोच्च हैं, वो दिखाता है कि हमारी उत्तराखंड पुलिस कितनी ज्यादा प्रोफेशनल है। पिछले 3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के, जो ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का उनका विजन है, उसको साकार करने के लिए पिछले 3 सालों में 5,000 लोगों को हमने ड्रग्स में जेल भेजा है। साइबर क्राइम, आप सभी जान रहे हैं कि कितना ज्यादा उत्तराखंड पुलिस ने क्राइम, साइबर क्राइम में आगे बढ़ी है। देश के जो सबसे टफ केसेस थे उसको सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस ने क्रैक किया है, चाहे वो हेली टिकट के नाम पे फ्रॉड किए हों, चाहे वो पावर बैंक ऐप घोटाला हो, चाहे वो चाइनीज ऐप घोटाला हो, इन सब को उत्तराखंड पुलिस ने आगे आकर के, जबकि हम सभी जानते हैं कि साइबर क्रिमिनल जाने हजारों मील दूर बैठे होते हैं, कोई अफ्रीका में बैठे हैं, कोई जामताड़ा में बैठे हैं, कोई मेवात में बैठे हैं, इसके बावजूद हमने जो है, हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा साइबर में काम किया है। और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस के विजन को भी साकार करने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं हमारी पुलिस कितनी टेक्नोलॉजिकली सेवी है, हमारे कंट्रोल रूम स्मार्ट हो गए हैं, हमारी मोबिलिटी बढ़ी है, हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा है। हमने जो दूसरा पुलिस का चेहरा है, एक ये हुआ पुलिस का सख्त चेहरा, हमने पुलिस के इसके सख्त चेहरे के साथ सख्ती अपराधियों के प्रति, आम जन के लिए, पीड़ित के लिए संवेदनशील चेहरे को भी हमने सामने लाने की कोशिश की है। अभी आपने देखा मिशन ऑपरेशन स्माइल के लिए एक मेडल दिया गया और ऑपरेशन मुक्ति के लिए एक मेडल दिया गया। आप सभी ने कई हजार परिवारों की जिंदगी में मुस्कान लौटाई है। ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुक्ति के थ्रू जो लोग भिक्षावृत्ति करते थे, जो लोग सड़कों पे रैग पिकिंग करते थे, उन सबको स्कूलों में डाला गया है। जो खोए हुए बच्चे थे उनको जो है वापस परिवार से मिलाया गया है। ये सब हमारी पुलिस का संवेदनशील चेहरा है, ये आप सबके सहयोग से संभव हुआ। हमने पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु भी अपनी ओर से भरसक प्रयास किए, चाहे वो आपके लिए पुलिस जन समाधान समिति बनाना हो, एक व्हाट्सएप नंबर जारी करना हो, चाहे स्थानांतरण नीति में जो पहाड़ का टेन्योर आधा किया गया, अस्पतालों में सीजीएचएस की सुविधा कराई गई, जो प्रमोशन यानी कई साल से रुके हुए थे, आपको पता है कि पिछले 3 सालों में हमारी सभी अधिकारियों के प्रयासों से 6,000 से अधिक प्रमोशन उत्तराखंड पुलिस में हुए हैं। इसके अलावा परिवार को कल्याण के लिए भी उपवा आगे आई है, और मैं देख रहा था दूर दूर के जनपदों में जा करके कि सच में उपवा का इंपैक्ट पुलिस जनों के परिवारों में है। इस सब के लिए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि कुछ भी जो है टीम के बिना संभव नहीं है। आप सब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए हम सब ये सब अचीव कर पाए। पुलिस मेरा परिवार है, आज आखिरी दिन है, आज वर्दी का आखिरी दिन है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं पुलिस से रिटायर हो रहा हूँ, लाइफ से रिटायर नहीं हो रहा हूँ। तो पुलिस में वर्दी का आखिरी दिन है, किंतु पुलिस को मैंने जिया है। मेरा स्टेटस आपने देखा तो मैंने हमेशा लिखा माय वर्क इज माय हॉबी, तो पुलिस को मैंने दिल से जिया है और पुलिस मेरे जीवन का हमेशा एक अभिन्न अंग रहेगा। आप सबने जो मेरे साथ खड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है
ये नए डीजीपी के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस नई ऊंचाइयों को छुएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।